मैं क्या बताऊं, बस मेरे अकल पे पत्थर पड़ गया था जब मैंने पीटीआई को वोट दिया, चूंकि कोई है ही नहीं। तमाम जमातों को मैं खुद पीएसएफ का एक्टिव कारकुन रह चुका हूँ, अच्छा तो जाहिर है वो भुट्टो तो लगता है कि अभी भी जिंदा है हर जगह, लेकिन अच्छा इमरान खान का ये इमेज, सर्टेन इमेज रहा, अभी भी है। अभी भी मैं ये बात 100% मानने को तैयार नहीं हूँ कि सब कुछ गलत है। हर जगह पे काली भेड़े होती हैं, तो काली भेड़ों ने अपना काम किया है, जिसकी वजह से कराची साल पर हर जगह जगह गटर बह रहे हैं, बदबुएं आ रही हैं, जगह जगह रोडें टूटी हुई हैं। मेरी गाड़ी साल में 3 बार बनने जाती है, पुरानी गाड़ी जो चोरी हुई थी। हाँ, जो चोरी हुई और है जी, आपकी अंग्रेजी गाड़ी। जो थे पुलिस जी वालों, सीवी पढ़ा था, तो उसमें फोन आया कि जी, उन्होंने लिस्ट बताई कि 4 टायर ले आए गरीबाबाद से। उन्होंने सब चीज़ बताया कि सेकेंड हैंड रेडिएटर, तो उससे अंदाजा आप कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो आप देखे ना, आप जो है ना, आपने तो बड़ी उम्मीदों पर वोट दिया, फिर आप खुद भी लुटे गए दफा, और पुराने कपड़े पहन के आप जो है वो वॉकिंग करते हैं, कि ऐसे ना आप लुट यूँ जाओ। तो शहर के शहर मैं कपड़े बदल के जाऊँगा, मैं बाल बनाऊँ किसके लिए, वो हाँ शख्स तो शहर छोड़ गया। हाँ तो अब मैं आगे क्या बोलूँ, क्योंकि वो शख्स असल जी में गवर्नमेंट है, वो शख्सियत मौजूदा गवर्नमेंट है। जी वो जो मुस्तकिल दावे कर रहे हैं, अब हम आसरों पे जी रहे हैं, ख्वाबों भी जी रहे हैं, ख्वाबों के मुसाफिर बन के रह गए, ये है सूरत यार। हाँ, तो फिर अब इससे कैसे निकला जाएगा, क्योंकि आप तो वोटर हैं, लोग तो आपको पकड़ेंगे भाई। आपने पीटीआई को वोट दिया था, आपने जमात इस्लामी के कैंडिडेट को डिस्कार्ड कर दिया था, उसकी जगह पीटीआई को वोटर वोट दे दिया था ना नाता में। जी, तो अभी भी अब देखिए, अब नून लीग आ रही है, उसको ट्राई करेंगे हम। तो नून लीग आएगी तो ट्राई करेंगे ना, वो तो बंद हो गई है सारी की सारी जेल नहीं के नहीं अंदर। वो आज सुबह ही हसन इकबाल साहब का बयान आया कि हम कराची में आ रहे हैं, बहुत काम करेंगे, अब उनको आजमा के देखते हैं। आजमाना तो पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब आपका ख्याल है जमात इस्लामी को आजमाना का कोई फायदा नहीं होगा, देखिए, इससे पहले मेरा नेमतुल्ला खान मेरा ने जो नहीं, काम मैं किया नेमतुल्ला था। खान का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, बहुत जातीदार आदमी, विजनरी आदमी थे। ये जितने ब्रिजेस वगैरह का आइडिया था, ये उन्हीं का था, जिसका क्रेडिट एम क्यू लगे। हालांकि ये काम उन्होंने किया था, ये मैं इसलिए कि मैंने उनका 15 साल पहले जब वो यहाँ पे थे, इसको हेड कर रहे थे, मैंने उनके पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी नमत साहब पे, तो हाँ मुझे अंदाज़ा हुआ था। लेकिन ये कि जाहिर है मेरा विजन कुछ और है, प्रोग्रेसिव आदमी हाँ नहीं, आप प्रोग्रेसिव का आदमी वो टकराव। वाली बात है, लेकिन असल में जो लोगों को तकलीफ है, वो आप देखे ना, हाँ, तकलीफ अपनी जगह तो है। ये जो है ना, बाहर नहीं निकल सकते लोग, खौफजदा हैं लोग, घरों के अंदर बंद हैं, वो कहते हैं कि लूट जाते हैं। यानी आप रोजाना अंदाजा लगाइए, 570 स्नेचेज वो जो हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं, वो है रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं, उसके अलावा स्नेचेज अलग हैं, किसी भी जगह चले जाएं तो आप स्नैच जाएंगे, या आपकी मोबाइल आजकल का जो 20,000 से 80,000 का मोबाइल, इस तो वो ले जाते हैं उठा उठा के। तो ये सारी जो चीज़ें बन रही हैं, जाहिर है इसकी जो है ना, वो तो हम तो आम आदमी ना, हम तो पीटीआई के वोटर नहीं हैं, हम तो पीटीआई के वर्कर को पकड़ लेते हैं, उनसे बोलते हैं भाई आपने वोट डाला था, आप हमें इस मसले का हल ढूंढ के दीजिए। जिम्मेदारी तो जाहिर पीटीआई वालों में चली जाती है ना। अब क्या ये करें, पीटीआई के साथ पिट्ठू खेलूं मैं, क्या करूं, मतलब बहुत हो गई। पुराने जमाने में लोग कंचे खेलते थे, कंचा खेलूं, पतंगे उड़ाऊं, तेजे लड़ाऊं, मेरी कुछ समझ हाँ में नहीं आ रहा। या क्रिकेट शुरू कर देता हूं मैं, आखिर में यही है, चूंकि जाहिर उनकी वजह शोहरत क्रिकेट थी। हाँ गुजरात क्रिकेट थी ना। नहीं, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, आप अखबार में लिखते हैं, आप कॉलम निगार भी हैं, इसके अलावा आप जितने भी जो है ना वो गुलकार भी हैं, इसके अलावा आप कलमकार भी हैं, देखिए, आप मैं सजेस्ट शायर करूंगा, भी दिल हैं। जलता है तो जलने दे प्लीज। तो मैं बहुत हाँ, ज्यादा दिल जला हुआ हूँ उस वक्त। जल जले में ना, तो उसकी हाँ, तकलीफ ये होती है, देखो हर चीज़ का होता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, फिर उसका इलाज करना पड़ता है, उसके में खर्चा होता है। इससे बेहतर है, एक तरकीब ये होती है कि सुबह उठते हैं आप नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें स्कूल के लिए, देखिए और अपने हमारे अपने अपने 3 दफ़ा जो है तमाचे मारें, इस तरह करके जब मारेंगे आप तमाचे तो आपको सुकून मिलेगा कि हाँ मैंने पीटीआई को वोट दिया था, तब अस्तग़फ़िरुल्लाह कह के 3 दफ़ा अस्तग़फ़ारा पढ़ करके अपने तमाचे मारा करें, इससे आपको सुकून मिलेगा। हाँ, कोशिश करके देखूंगा मैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये बहुत जो है ना, शुक्रिया। ये जो है ना नाज़रीन, ये शारिक़ नक़वी साहब हैं जो पीटीवी अवार्ड को भी विन कर चुके हैं, इनसे ये इंटरव्यू लिया गया है आपके सामने, और ये आम हालात बयान किया गया। उम्मीद है कि ये इंटरव्यू जो है आम लोगों की तर्जमानी करेगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।